मासी के घर में, मतलब गोरा की मासी के घर में। यहाँ देखो भैया से मिलवाएंगे आपको, इनके बेटे का मुंडन था जो कृष्णा पैलेस गए थे, तो इन्होंने किया इनवाइट। गोरा इधर पलचनी आया, उधर देखो आगे पीछे, यहाँ पे जगह देखो गाई, यहाँ सफेदों की चल रही है कटाई, यहाँ पे देखो गाड़ी यहाँ लगा दी ना, कितना सही लोकेशन देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ ये देखो, और गाय ये देखो कितना अच्छा घर है, तो अभी लेके जाते हैं आपको अंदर। बोल रहे हैं कि भैया के घर के वीडियो नहीं बनी है, मैं आज वही बनाते हैं हम। चलो आ जाओ, ये घर की बातें हैं, ये संडे है, संडे स्पेशल है, मतलब ये सब सेल लगी है, लूट लो भाई जो लेना कुछ भी। और वही तो देख रहा हूँ, ये है हमारे छोटे मोटे ब्लॉगर हैं, ये ब्लॉग बनाते हो, वो दूसरा ब्लॉग बनाता है गाई, ये देखो। और बाल कहाँ गए पहले बताओ, बाल कहाँ गए, बाल काट दिए। किसने काटे? वो नाई ने काटे। क्या बात है, इतना क्यूट बच्चा था। गाई देखो घर कितना प्यारा है यार, दिल खुश हो गया, मतलब मजा ही आ गया। देखो आप भी कमेंट करना गाइस कैसा लग रहा है, अभी अंदर जाएंगे, अंदर से फिर रिवील करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह पूरा यहाँ पे बाहर बनाया हुआ है, और ये तो आपने बाहर से इंटीरियर देख लिया, तो नाउ अभी टाइम हो चुका है, सामने मंदिर दिख रहा है, मंदिर देखो गाइस देखो के बंदा वहाँ पे। और अभी पहले अंदर अंदर चलो गाइस, अंदर आपको इतने अच्छे अच्छे घर दिखाता हूँ, देखो इधर, वाओ, यहाँ से आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमने ऐसे बनाना है। ये देखो सनी भैया, ये घर नहीं ये हवेली है। इधर में से ये क्या कर रहे हैं इधर, देखो गाइस पूरा दिखाता हूँ अभी आपको। तो गाइस ये देखो देख लो, ये सबसे पहले हम दर्शन करेंगे यहाँ पे पूजा रूम के, और मतलब हर चीज में कमेंट करना आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वैसे कोई चीज ऐसी होगी नहीं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखो ये स्टोर, अच्छा ये बेडरूम है, एक यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम के साथ वॉशरूम अटैच मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखो टाइल्स देखो कितनी प्यारी लग रही हैं, और यहाँ पे देखो गाइस एक यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम जहाँ पे आप देख रहे हैं, विद यहाँ पे वॉशरूम भी है अंदर यहाँ पे। ये देखो ये स्टोर है, सॉरी मैंने गलती से हाथ, मेरे को पता नहीं था। ये सीलिंग भी देखो गोरा कैसी लग रही है, गोरा तो बोल रही मेरा ड्रीम हाउस बन गया है ना, और इन फ्यूचर हम भी कभी ऐसा सोचेंगे है ना गोरा। तो देखो गाइस ये बेडरूम में ये कनेक्टेड होते हैं, ये दोनों कनेक्टेड है ना रूम, ये वॉशरूम कनेक्टेड होता है अंदर से। गाइस एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, ये दादी के बेडरूम में। चलो दादी को मतलब गर्मी ज्यादा लगती है इसलिए पंखा ऑन रखा हुआ है, और साथ में हीटर भी लगा, दोनों चीजें पक्का हीटर दोनों लगे हैं। ये देखो गाइस देखो, आप भी डिजाइन ले सकते हो सीलिंग के, हर चीज के डिजाइन, टाइल्स के आप भी ले सकते हैं, देखो कितना प्यारा है अभी अभी इन्होंने बनाया है, और कैसा लग रहा है सुंदर। और गाइस यहाँ देखो नीचे भी देख सकते हैं आप, चलो अभी बाहर अभी चलते हैं हम यहाँ से ऊपर, तो हमारे साथ चलो ब्लॉगिंग करते करते। ये ब्लॉगिंग देखो गाइस क्या है, रेनबो बेड, अच्छा रेनबो बेड, यहाँ से तो हमने देखा ही नहीं, अच्छा ये रेनबो बेड, आप यहाँ सोते हो, तो सो के दिखाओ एक बार जल्दी, सो के दिखा कैसे सोते हो दिखाओ तो। ये बच्चों का रूम देखो, वाह ये देखो गाइस यहाँ पे देखो कैसे कलरफुल इनके लिए बनाया पूरा, कितना प्यारा लग रहा है। अभी जाएंगे हम यहाँ से ऊपर, चलो सनी भैया चलो अभी। कहाँ पे शूज, यहाँ क्या रखे शूज, आप कहाँ रखते हो, चलो आ जाओ अभी अभी जूस पिया है भाभी, देखो हमारे साथ वो करेंगे, लगता है हमारे पेड़ के साथ आपको तो नहीं है, तो प्यार नहीं है। चलो आ दो सनी भैया, अभी हमें लेके जा रहे हैं ऊपर,
जो भी इधर आ जाओ बच्चे, आगे आगे जाओ और पूरा दिखाते हो मुझे। तो भाई ये है हमारे ऑनर, तो ये ऑनर है, ये किचन है ऊपर वाली किचन। आप यहाँ पे खाना बनाओगे, ये देखो यहाँ पे भी है, बाहर भी। चलो गाइस पहले बाहर का व्यू दिखाते हैं, यहाँ से देखो। वाओ, वो अपनी गाड़ी लगी है गाइस। यहाँ से नीचे से आपको दिखा रहे थे ऊपर, और अभी ऊपर से आप नीचे देख लो। हाँ, ये फॉरेस्ट ने करवाई है ना, अभी आपका मतलब घर बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा दूर से। हमका पुराना घर कौन सा वाला, वो जो टैंकी वाला। ओके, पुराने घर भी चलेंगे, पहले अंदर और दिखाओ और क्या है। देखा, एक तो जू भी मेरे कैमरे च नहीं ना आता है, जहाँ ये कैमरे च आवा जहाँ और आवा। देखो भाई यो, अभी आप वहां से दिखा रहे थे, अभी यहाँ से जो भी इधर चला गया। देखो कैसे खुलता है ये, वो देखो यो, माय गॉड। देखो भाई यहाँ से, यहाँ से आप बाहर जा सकते हो, बाहर का व्यू भी देख सकते हो। यहाँ से, यहाँ से डोर भी है और यहाँ से विंडो लगी है। देखो और वैसे भी जब हम कोई भी घर वगैरह बनाते हैं ना, जहाँ पे ये विंडो होती है ना, वो मास्टर बेडरूम ना एकदम मतलब जबरदस्त होता है। कहाँ है आपका पुराना घर? वो सामने। हाँ, वो दिख रहा है, यहाँ से सामने दिख रहा है ना, पता कौन सा वाला है? पिंक वाला ना, तो ये देखो। तो अभी जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे गाइस, अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले यहाँ पे यू भी आ जाओ बेटा। नेचुरल है सब कुछ, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इस रहने भी दिखाने जरूरी है, बिल्कुल बहुत अच्छे यूवी लगे रहो और दिखाओ। यहाँ कौन सोता है? ये वॉशरूम, हमका वॉशरूम। देखो गाइस, आपको मैं ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। हमकी जो आपकी हमकी वाली है ना सिस्टम, बहुत अच्छा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ ऊपर कोई भी नहीं सोता है, ये सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है। ये यूवी सुनो मेरी बात, ये मेरा, अभी मेरा और ये हम दोनों का, ठीक है। वो देखो गोरा, चलो अपने रूम की तैयारी करो, ये हमारा रूम है, हमने बुक कर लिया ये। हाँ वही तो गेस्ट रूम, तभी तो हमने पहचान लिया ना। देखो गाइज, गेस्टों के लिए अगर ऐसी फैसिलिटी हो, गेस्ट जाए ही ना आपके घर से, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। परमानेंट गेस्ट, देखो कितना प्यारा लग रहा है। सनी भाई, सीलिंग और ये कलर डिजाइन किसने दिया आपको, इतने प्यारे प्यारे? क्या बात, कलर कॉम्बिनेशन मतलब एक नंबर। हाँ, ओह माय गॉड गाइस, यहाँ तो देखो पीछे वाला एरिया भी आपको दिखा देते हैं। मतलब इस घर की ये सबसे अच्छी चीज है कि आप हर साइड से इसको देख सकते हो, बाहर का व्यू देखो, पीछे का यूवी। इससे ऊपर जाना है नहीं, इससे ऊपर रहने देते हैं, इससे ऊपर रहने देते हैं, वही यहाँ से गाइस जो दिखेगा आपको वही होगा। पर देखो व्यू देखो, मेरे को लग रहा है जब हवा वगैरह चलती होगी ना मौसम, इसके ऊपर छत है। चल ठीक है, फिर संध्या शामी जिले बारिश वगैरह होती होनी, जब मौसम इतना ठंडा होता होना, कितना न्यारा आंदा था ना। ये बेचारे रात को पहुंचते हैं, अभी ज्यादा फील नहीं किया आपने इसको, है ना। ये देखो कहाँ, क्या लग रहा है आपको, कहाँ घूम रहे हैं हम? यहाँ देखो, इस साइड भी डोर है क्या? हाँ। बाहर जाने का ठीक है, वही यहाँ से भी हम बाहर जा सकते हैं। तो भाई ये देख, इधर एक ही रूम है, नहीं दो, एक उधर भी, कितना सही लग रहा ना। कैसा लगा आपको? 10 out of 10 out of कितने? 20 यार क्या बात है गाइस, मैं बहुत सारे घरों में गया हूँ बट ये कुछ यूनिक लगा और बिल्कुल डिफरेंट, सिंपल, सोबर, डिसेंट, हर जगह का हर एक चीज मतलब ऐसे प्रोफेशनली पूरी तैयार की हुई है। देखो टाइल देख सकते हैं आप, है टाइल, ये
हर एक चीज यहाँ पे प्रॉपर हो रखी है। और डोर देख लो, डोर का ऐसे है ना प्रिंट आउट जो भी है, देखो इधर और सीलिंग डिजाइन वाओ, मत जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, देखो इधर। और यहाँ से आप देख सकते हो, इनसे बातें कर सकते हो। मासी की कंप्लेन आ रही थी कि भाई आप हमारे वीडियो नहीं बनाते हमारे घर में, और अभी ऐसी वीडियो बनाई ना कि जितने भी हमारी YouTube फैमिली देख रही ना वो ये करेगी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो देखो गाइस, चलो अभी चलते हैं नीचे। गाइस अभी आपको पूरा घर तो दिखाई दिया, कुछ खाने का टाइम हो गया क्योंकि मैं थक चुका हूँ घूम फिर के। अभी चाय और पकौड़े ये सब चल रहे हैं, सारी फैमिली हमारी बैठी हुई है। और होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाभी जी ये सारा कलर कॉम्बिनेशन ये सब कुछ भैया तो बोल रहे हैं आपने किया है, मतलब आपने चूज किया ये इतने यूनिक और इतने डिफरेंट आइडिया कहाँ से लेते हो आप? आप ही यूट्यूब से? क्या बात है, बहुत ही प्यारा घर लगा मुझे, मतलब मैंने अभी तक का मेरे को सबसे बेस्ट लगा अभी तक का, बहुत अच्छा। तो मासी को तो है ही है, मासी की वजह से तो हम वीडियो बनाने आए हैं इधर। ये है किचन, किचन में खिलार बड़ा ज्यादा था इसलिए मैंने नहीं दिखाया और भाभी ने मना किया, लेकिन भाभी हमारे लिए कुछ तड़का लगा रही है। देखो इधर भाभी जी क्या बना रहे हो आप स्पेशल? ओह माय गॉड। तो गाइज अगर आपने भी भाभी के हाथों की स्पेशल डिश खानी है तो आप आ जाओ इधर। तो गाइज अभी आपने घर देख लिया, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा घर है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि घर इतना अच्छा है और ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गाय का शेड भी अलग से बनाया हुआ है, गाय और माजे रखी है, माजे दूध की फैसिलिटी, मज्जे भी है, कटिया भी है, प्योर दूध, घर का दूध, भाई घर का दूध ये जरूरी है। आप जितना मर्जी बड़ा घर बना लो लेकिन इसके साथ ये सेपरेट जरूरी है, ठीक है ना भाई? हम गांव वाले बंदे हैं, ठीक है ना, ये घर की खेती ये सब कुछ घर का होना चाहिए, सब दूध दही है ना, ये सही है गाइस। इधर हम आ गए हैं, वो सनी भैया उनका घर था और वहाँ से हम इधर दिखा रहे थे आपको, हम यहाँ पे आ गए। ये इनका ओल्ड घर है और इनके मतलब मासी वगैरह इधर भी रहते हैं, एक घर में दो मासी हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सनी भैया उनका ओल्ड घर और इनके ये ताऊ जी का घर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ये भी मासी है गोरा की माँ रिम्पी दी का है ना। तो अभी चलो दूसरे घर में, साथ साथ में कितनी रौनक बड़ी होती है यार जब घर पास पास में हो। अब दूसरे घर में चलते हैं, सनी भैया का ओल्ड घर, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। कुत्ता भी दिखा दे यार, वाओ क्या बात है। इधर देखो इधर हमारी वीडियो लगाई जाए। तो गाइस देखो सनी भैया उनका ओल्ड घर है, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे रहते हैं छोटे भैया। तो यहाँ देखो घर कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेमोरी पुराने घर में होती है। हम आ गए हैं भैया के पुराने घर में, मतलब मिलके सबसे फैमिली से। और यहाँ देखो फिर से हम आ गए सनी भैया के जो न्यू घर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, बार बार हम घूम फिर के इधर ही आ रहे हैं। और अभी करेंगे डिनर, ऑलरेडी हमने सब कुछ खा पी लिया है बट फिर भी भाभी ने मेहनत करके हमारे लिए जो कुछ भी बनाया, एक दो दो फुलके खाएंगे और फिर चले जाएंगे। तो चलो खाते हैं अभी आपके साथ। अभी टाइम हो चुका है डिनर करने का, गोरा लगी है भूख आपको? भाभी ने क्या क्या बना दिया यार आपके लिए, देखो वाओ। तो गोरा अभी जल्दी से करेंगे गाइस अभी डिनर एंड उसके बाद चलेंगे घर में, टाइम काफी ज्यादा हो गया है इस घर से ना, अभी जाने का मन नहीं कर रहा। पर ऊपर वाले अब आएंगे हम ऊपर, अपने ऊपर वाले रूम में, हमारा रूम बुक कर दिया हमने अभी से, बस अब जल्दी आएंगे यहाँ पे। डिनर कर लिया और नंबर वन डिनर, मतलब जितना भी खाना बनाया था भाभी ने सुपर जबरदस्त। और जो भाभी है ना वो जॉब भी करती है और घर का काम भी देखो करती है, और इतना जबरदस्त खाना बनाया था। और मैं अभी कामेश्वर मंदिर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, वहाँ भी हमने काफ़ी ज़्यादा कुछ खा लिया था बट इतना टेस्ट होने की वजह से हमने कुछ छोड़ा इधर भी नहीं है। भाभी जी कहाँ से सीखा ऐसा आपने सब कुछ? ऐसे नहीं आया, ये काफ़ी मेहनत के बाद आपने सीखा। आप वीडियो देखते हैं हमारी, कैसे लगती है? बहुत अच्छी लगती है। तो क्या बोलोगे हमारी YouTube फैमिली को?
यही है कि देखते रहो, मजा लो। देखते रहो, बड़ा मजा आता है। और गाइस सच में खाना खाके बड़ा मजा आया। और घर तो इनका आलीशान बंगला है, वो तो आपको मैंने दिखाई दिया। और अभी भाभी जी ने देखो आइसक्रीम हमारे लिए लाई है, तो अभी ये खाएंगे एंड उसके बाद गो बाहर जाएंगे। हाँ भाभी जी अब आपने आना, ठीक है। तो चलो गाइस अभी जल्दी से फिनिश करते हैं। मम्मा यहाँ गुस्सा कर रही हैं क्योंकि नमित घर में अकेला है, तो हमने जाना अभी घर जाने का। और काफ़ी अच्छा लगा मिलके सभी फैमिली से। और जब हम अलग अलग फैमिली में जाते हैं वहाँ का आपको ओवरव्यू दिखाते हैं, घर बार दिखाते हैं और हम खुद भी मिल लेते हैं। और मेरे को अभी पता चला कि कितनी मासियाँ, कौन सी मासी कहाँ पर रहती है, कौन सा घर है, ये सब मैंने भी सीखा। और होप सो आपको भी पता चल गया होगा। तो अभी देखो ये फैमिली है हमारी, हर बार हम नए नए घरों में जाते हैं। देखो घर कितना अच्छा लग रहा है अभी, है ना। गुरा भी देखना ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो रखते हैं इधर। कैसी लगी वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जो बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुके हैं अगेन विशाल उनके घर, मतलब दूसरी वाली मासी के घर में जहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे। उस दिन मंगलवार को हम वापस गए थे, बोलते मंगलवार को वापस नहीं जाते, परताने आना होता है, तो भाइयों से मिलने आना होता है, तो इसलिए हम आ गए हैं दोबारा। तो कैसी लगी वीडियो भाई, लास्ट वाली वीडियो में कमेंट कमेंट क्या होगा। मैं चलो थे काम है, फिर मैं तो वहां का साथ संग गए हां। हो सो घर की थे फोन से भी मैं ताना जाने ना, हमने बड़ा तगड़ा प्रोग्राम। गाइस अभी आप मिलिए हमारे छोटे भाई से विशाल से। ये शर्माता है, घबराता है, सामने नहीं आता है। विशाल इधर देखा जेलो जूस भाई, और कैमरा जब बंद होता है फिर ही पास आता है। सही बात है ना, ऐसे नहीं आता। ये देखो अभी पानी की जगह हम जूस लग रहे हैं, ऐसे शॉट होते हैं ना, फ्रूट शॉट। फ्रूट शॉट नहीं है, बैग वाले निके शॉट चला है, जैसे वो क्लब में चलते हैं। हाँ ठीक है, मस्ती हो क्या हाल है? कोई मस्ती आगे से हुआ ही है। अभी देखो हमारे साथ कौन मिलने आया, हमारी सिस्टर मोनू है ना, मोनू मोनिका। ओ माय गॉड कंचन, क्या बात। प्यार से मुन्ना बोलते हैं। हाँ है ना, क्योंकि ये मुन्ना भाई की तरह हेल्दी है, इनका दबदबा ज्यादा घर में। तो ये हमारी वीडियो काफी देर से देख रहे हैं और इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया हुआ है। अच्छा क्या बोलोगे आप हमारी यूट्यूब फैमिली को? मुन्ना बहुत ज्यादा बोलना। आप नहीं, आप गोरा से तो, गोरा से तो पहले भी मिले हो आप, है ना। मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो आप। कल से मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। भैया मुझे पूछते हैं कि आप लड़का हो लड़की हो, मैं बस एक ही बात पूछ रही भैया ने। क्योंकि नहीं, आपके ब्रदर है ना, वो मुझे यही पूछते थे, ये मुन्ना कौन है, लड़के आपको मैसेज कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपने मुन्ना लिखा था ना, मुन्ना तो फिर मुन्ना आईडी मेरी बूजी का बेटा। मैं यार पता कंफ्यूज है, वो वाला मुन्ना तो नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा कंफ्यूज रहते थे। तो आज हमने मुन्ना जी से मिल लिया, मतलब मोनिका से, कंचन से, नाम तीन चार है सबसे। मोनिका डाल दिया, मोनिका नाम आपका, मोनिका। हाँ मोनिका भी सूट कर रहा है इनको ना। तो आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी देखो टाइम हो गया घर जाने का, हमें इतना ही मिलना था ताकि मंगलवार को हमने परताना होता था ना, तो अभी मिल लिया सबसे। मुझे सबसे ज्यादा जिसकी शादी का वेट है वो ये पर्सन है। चलो भाई हो गई इनकी बातें, अब चलें। अब चलो बोलो। हाँ जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओहो ठीक है ठीक है, आप व्लॉग देखते हो? हाँ मैं सारे देखती हूँ। अच्छा आप किसके ज्यादा फैन हो, गोरा की या मेरे? मैं तो दोनों की हूँ। अच्छा आप भी बड़े क्यूट हो, क्या नाम है आपका? हर्षिका। हर्षिका आपने सबसे पहला व्लॉग कौन सा देखा था? मैंने जब आप शादी में गए थे। वो बेचारी जता नहीं आ। कौन सी शादी में? अच्छा मतलब आपकी मम्मा ने दिखाया था या खुद ही देख लिया आपने? मैं बूजी के फोन में देखती हूँ। अच्छा सो क्यूट यार, ये क्या लगता है आपका? चाचू। ये आपके चाचू है? तो ये मेरा भाई है, आपको नहीं पता था ये हमारे भाई है? मुझे पता है। अच्छा अभी जिस दिन मैं इनके घर आई थी वो वाला व्लॉग देखा? हाँ देखा था, तब आपने ब्लैक कपड़े पहने। इसने आज भी वही कपड़े पहने पिछले व्लॉग में पहने थे। नहीं ये बात है बेचारा, इसमें बहुत हैंडसम लगता है। गाइस आप भी कमेंट करना विशाल इसमें हैंडसम लग रहा है या नहीं।